बारीक बारीक काम किया हुआ है ना। हाय एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल रुचि स्टाइल कॉर्नर। आप सभी लोगों को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मैं सुबह ना हैप्पी धनतेरस बोल रही थी तो मुझे किसी ने टोका कि धनतेरस हैप्पी नहीं, धनतेरस हमेशा शुभ होती है, तो ऑलवेज से धनतेरस की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो मैं आपसे यही बोल रही हूँ, धनतेरस की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आप लोग मुझे बताइएगा, आप लोगों ने ऑब्वियसली, आप जब तक ये व्लॉग देखोगे धनतेरस हो चुका होगा, दिवाली भी हो चुकी होगी। मैं दिवाली के बाद डालूंगी ये व्लॉग, मैं दिवाली तक कंटिन्यू करने वाली हूँ। सो डू लेट मी नो आप लोग धनतेरस कैसे सेलिब्रेट करते हो। जैसे बोलते ना, धनतेरस पे कुछ लेना चाहिए, गोल्ड लेना चाहिए या चांदी लेना चाहिए या बर्तन लेना चाहिए। मुझे भी ऐसे ही लगता था कि धनतेरस पे हमेशा गोल्ड वगैरह लेना चाहिए, बट दिस टाइम क्योंकि अब मैं आई एम सो मच इनटू अकल्ट साइंस, मतलब मेरा पता नहीं कहाँ से इतना ज़्यादा इंटरेस्ट आ गया अकल्ट साइंस, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और इन सब चीज़ों में, तिथियों में, इन सब बिलीव्स में। तो इस बार हम लोग इस तरह की कुछ भी ऑर्नमेंट वाली चीज़ें नहीं लेने वाले हैं। सबसे पहले तो हम क्या लेने वाले हैं, एक झाड़ू लेंगे, उसके बाद एक पोछा लेने वाले हैं, साथ ही साथ एक भगवान की मैं कांसे का कोई बर्तन ले लूँगी। आप मैक्स टू मैक्स आप चांदी का सिक्का ले लीजिए, ज़रूरी नहीं है कि आपको गोल्ड ही लेना है। चलेंगे मार्केट में, आप लोगों को लेकर के चलूँगी। मैं भी इस बार मार्केट जाने में बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि 2 साल बाद इतने अच्छे से बिना मास्क वगैरह के हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, एंड भगवान करे ये ऐसे ही रहे। मैंने ना ये बोल करके रखा था अपने यहाँ पे घर पे कि मैं धनतेरस के दिन ना कांसे की प्लेट लेने, मतलब भगवान की थाली जो पूरा सेट होता है ना, वो लेने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ, मुझे वो लेना था इस बार धनतेरस में। तो हम लोग यही हंस रहे थे सब लोग कि जो मेरे फादर इन लॉ है, मतलब सस विक्की मजा ले रहा था, कहता ससुर है कि बेचे जा रहे हैं कासा और बहू है कि कासा जमा करती जा रही है, खरीदती जा रही है पैसा दे कर करके। तो फिर मेरी मदर इन लॉ को ना एक कोई थाली मिली होगी, अगेन पुरानी थाली मेरी दादी सास के टाइम की, अभी मुझे ला करके दिया है। नाउ शी इज़ ऑल्सो वेरी कन्फ्यूज कि ये कासा है कि ये पीतल है। पीछे से आप इसका कलर देखिए तो आपको ऐसा लगेगा कि ये पीतल है ना, और आप आगे से देखोगे तो लगेगा कांसा है, बिकॉज कांसा यूजुअली इस तरीके का होता है, मेरे पापा बोल रहे हैं। अब पीछे से तो ये पीतल ही लग रहा है, तो मे बी हम लोग ये प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि शायद ये जो है ये कांसा होगा और ये पीतल होगा, मिक्सचर होगा, या आई डोंट नो। तो हम शॉप पे जाएंगे, इसको पता करेंगे कि ये बेसिकली कांसा है या पीतल है। इसकी ना पास से वो देखिए जो इसमें बारीक बारीक काम किया हुआ है ना, सो फ्रिकिंग ब्यूटिफुल, दिस इज सो प्रिटी है ना। तो इसको देखते हैं, शॉप पे जाकर के पता करेंगे कि क्या है वो। लाइट्स वगैरह हमारे यहाँ धनतेरस के दिन ही लगती है, तो लाइट्स वगैरह सब कुछ लग गई है। तो जाना है मेरी दिवाली की जो मेरी साड़ी है उसका ब्लाउज कलेक्ट करने के लिए, उसके बाद मेजर मुझे क्या काम करना है, हाँ, और फिर मुझे घर का सब सामान वगैरह लाना है। हम लोगों को ऊपर की जो बैल्कनी नवा के लिए भी हम लोग कुछ सीनरी लाने का सोच रहे हैं सुंदर सी। तो यस, यही सब चीज़ें हैं, मैं आपको लेकर के चलूँगी अपने साथ, और या लेट्स स्टार्ट द व्लॉग। तो सबसे पहले तो मैं गई थी बुटीक में अपना ब्लाउज कलेक्ट करने के लिए, एंड फाइनली मुझे ब्लाउज मिल गया, थैंक गॉड। एंड मोमेंट पे उन्होंने मुझे अच्छे से स्टिच करके दे दिया और बहुत सही स्टिच हुआ था, एकदम परफेक्ट थी। उसके बाद हम चले गए थे लोकल मार्केट। इस बार लोकल मार्केट में बहुत ही ज़्यादा रौनक थी, जिसको देख करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। सबका बिजनेस अच्छा हो रहा था, सब खुश थे, एंड सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि भाई कोई मास्क नहीं लगाया था। तो हम लोगों को बालकनी के लिए ना कुछ बड़ा सा कलरफुल सा कुछ चाहिए था, तो वही देखने के लिए हम लोग आए थे। यहाँ पर एक काफ़ी बड़ा सा मार्केट है जहाँ पर फोटोज़ एंड फोटोज़ फ्रेम बहुत सारी मिलती है, एंड बहुत इनएक्सपेंसिव होता है यहाँ पे सब कुछ। और हाँ, तो इसी तरीके का मुझे ना कुछ इस तरीके का गांव का जो पिक्चर होता है ना वो बहुत अच्छा लग रहा था, जिसमें ग्रीनरी भी हो, थोड़ा सा वाटर हो, प्लांट्स हो, ऐसा कुछ नेचर वाला हम लोगों को लगाना था बालकनी में। तो वो हम लोगों ने एक पिक्चर कलेक्ट करा। आप सोचो इतना बड़ा पिक्चर था ये, 3.5x5 का था, और ये हमको मात्र 180 रुपीज़ में मिल गया था। उसके बाद फिर हम लोग बर्तनों के शॉप पर चले गए थे, एंड वहाँ पर हम लोग ने वही जो थाली है वो पता करी। तो जो शॉप वाले थे वो दोनों ने हमको, दो लोगों ने कंफ्यूज किया, एक हमको बोल रहे थे कि ये पीतल है, एक बोल रहे थे ये कांसा है, ऐसे करके हम कंफ्यूज हो गए और भी ज़्यादा हमारा डाउट क्लियर नहीं हुआ। उसके बाद फिर हमने कांसे के बर्तन देखे, तो ये जो आप देख रहे हैं ना सेट, दिस इज़ फॉर अराउंड 6,000। इसमें एक प्लेट थी, एक कटोरी है, एक ग्लास है और एक स्पून है, और बट हम लोगों को अगेन यही लग रहा था कि ये प्योर है कि नहीं है, वो श्योर हम लोग नहीं हो रहे थे। तो हमने सोचा थोड़ा अच्छे से रिसर्च करने के बाद परचेस करेंगे, इतनी महंगी चीज़ परचेस कर रहे हैं तो ऐसे इंपल्सिव बाय नहीं करते हैं, ऐसा हम लोगों ने डिसाइड किया। और उसके बाद फिर मैं एक इमिटेशन ज्वेलरी की शॉप पे आ गई थी, बट विक्की ने मुझे ये लेने नहीं दिया। विक्की बोलता है कोई ज़रूरत नहीं है, ओरिजिनल है, वही पहना करो। और उसके बाद फिर हम लोग चले गए थे हमारे घर वापस, और वहाँ पर हमारे घर के पास में भी एक काफ़ी अच्छा सा लोकल मार्केट है। हम लोग फिर वहाँ पर पैदल निकल गए थे घूमने के लिए, क्या क्या मार्केट में चीज़ें लगी हुई हैं वो सब देखने के लिए।
लोगों ने जो छोटी छोटी चीजें होती हैं जैसे शुभ लाभ हो गया, सातिया हो गया, उसके बाद लक्ष्मी जी के पैर हो गए वो लिए, फिर एक अम्मा थी जिनके पास ना थोड़ी सी ऐसी बत्ती बना करके वो बैठी हुई थी, तो हम लोगों ने इनसे ज़रूर लिया ताकि भाई इनकी भी दिवाली अच्छे से सेलिब्रेट हो जाए। फिर देख रहे थे हम लोग कि क्या लिया जाए मीठा में, लेकिन हमारे जो घर वाले होते हैं ना वो थोड़ा घर का बना हुआ खाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, तो फिर हम लोगों ने कैंसिल कर दिया प्लान। और तो लास्ट नाइट मैंने ना अपनी मदर इन लॉ से जो गुजिया होती है ना वो बिलवाई थी, और अभी नेक्स्ट मॉर्निंग मैं मम्मी से चकली बनवा रही हूँ। तो एक्चुअली मसाला और ये सब जो मेन होता है ना वो लोग ही प्रिपेयर करते हैं, मैं सिर्फ ये जो छोटा सा वो होता है ना बेसिक काम होता है वो करवा लेती हूँ। बट हाँ, मुझे ये करने में मज़ा बड़ा आ रहा था, ये तो मैंने फर्स्ट टाइम ही इस तरह से वो किया था। अदरवाइज़ गुजिया तो मैं बिलवाती हूँ, लास्ट ईयर टीनू और हम दोनों बेलते थे, बट हाँ इस बार मैं अकेली थी तो थोड़ा सा टीनू को ऑब्वियसली आई वॉज मिसिंग, क्योंकि वो रहती तो मज़ा बहुत ज़्यादा आता है मेरे को। बट कोई नहीं, वो अपने नए घर में काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय कर रही है, विच आई एम हैप्पी अबाउट। ओके, सो ये जो है चकली वगैरह जो है ना वो मैंने ऐसे बनाती गई और मम्मी जो है फटाफट तलती गई, तो जल्दी जल्दी काम हो गया था। आप लोग मुझे बताइएगा कि आपके घर में क्या क्या आइटम्स बने हुए हैं और आपने क्या क्या बनाया उसमें से। तो मम्मी मुझे वही बता रही थी कि कैसे भरना है, कैसे उसको लगाना है, क्या करना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसके बाद दिवाली से एक दिन पहले हम लोग मार्केट गए थे, एंड आई थिंक ये मेरे जीवन का फर्स्ट टाइम होगा कि मैं दिवाली से एक दिन पहले इतनी भर भीड़ में मार्केट आई हूँ, क्योंकि इधर पे मेरे पापा कर लेते हैं वो सारी चीज़ें और इन लॉज के यहाँ पे मेरे फादर इन लॉ कर लेते हैं, तो ये फर्स्ट टाइम था कि हमने पूरी चीज़ें बहुत सारी 90% इस बार हम लोगों ने ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई थी और मज़ा आ रहा था काफ़ी। तो हम लोगों ने ये सिल्वर के इस तरीके के कलश ले लिया है और इतना ज़्यादा रश था मार्केट में कि बापरे पूछो मत, पैर रखने की भी जगह नहीं थी बिल्कुल भी। तो हम लोगों ने ना यहाँ पर ऐसे छोटे मोटे जो पूजा का सामान होता है वो सब लिया, फूल वगैरह लिए क्योंकि माला वगैरह हम लोग सब घर पे ही बनाते हैं, तो बस वही सब शॉपिंग करी बेसिक सी। हाय गाइस, तो अभी हम लोग आए हैं मार्केट से। एक्चुअली इस बार जो धनतेरस है ना वो कल से लेके आज तक चली है, तो फाइनली अभी आज हम लोग लेकर के आए हैं। तो हम लोग लेने गए थे एक्चुअली चांदी की प्लेट, बट हम लोग थोड़े कंफ्यूज हो गए थे, इसलिए फिर हम लोगों ने अभी के लिए उसको स्टॉप कर दिया, तो इसलिए हम लोगों ने नहीं लिया है। एंड हम लोग कुछ और लेके आ गए, हम लोग 10 ग्राम का प्योर चांदी के कॉइन्स लेकर के, कॉइन्स नहीं है कलश लेके आ गए हैं। तो हाँ, कॉइन शेप का कलश है। अभी हम लोग जा रहे हैं करुणाधाम आश्रम मंदिर, आज एक्चुअली वहाँ पर धनतेरस सेलिब्रेशन हो रहा है, तो उसी के लिए हम लोग वहाँ आश्रम जा रहे हैं। सो या लेट्स गो, मैं आपको दिखाऊंगी जरूर, कैमरा इसलिए मैं लेके जा रही हूँ ताकि उसमें कैप्चर करूंगी। अगर आप मुझे पहले से फॉलो करते होंगे तो आपको पता होगा हम दिवाली के दिन हमेशा करुणाधाम आश्रम जाते ही जाते हैं, एक रिचुअल है ये हमारा। और इस बार हम लोग धनतेरस पे भी आए थे बिकॉज यहाँ पर एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया था, इतना सुंदर लग रहा था, मतलब इतना सेरीन था यहाँ पे आना, वो जो पूरा एक्सपीरियंस था इट वॉज सो गुड। अगर आप भोपाल में रहते ना, आई हाईली हाईली अगेन रिकमेंड यू कि आप यहाँ ज़रूर आया करो, इतना अच्छा लगता है यहाँ पर, द वाइब ऑफ दिस टेम्पल इज़ जस्ट अमेजिंग। हाय गाइस, आज दिवाली, सो हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। परसों धनतेरस स्टार्ट हुई थी दिन से और कल तक धनतेरस चली थी, कल रात से रूप चौदस स्टार्ट हुई थी तो अभी रूप चौदस चल रही है, शाम से दिवाली स्टार्ट होगी, कुछ तिथि का गेम आया हुआ है, सो दैट्स वाई ये ऐसा हुआ है। तो अभी हम लोग सुबह मंदिर वगैरह, जो आपने रात में मंदिर की क्लिपिंग्स देखी ना, वहाँ हम सुबह भी गए थे, हमारे घर के काफ़ी पास भी है तो हम लोग जाते हैं वहाँ पर सुबह शाम।
यस, अभी मैं जा रही हूँ रंगोली बनाने क्योंकि सुबह सब जल्दी उठ गए हैं और इस बार क्योंकि टीनू नहीं है तो टीनू होती तो फटाफट बन जाती है, 2 घंटे लगते हैं हार्डली, 2 से 3 घंटे हमको तब भी लगते हैं क्योंकि हम लोग इतनी बड़ी रंगोली बनाते हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं अभी रंगोली बनाना स्टार्ट कर देती हूँ ताकि अभी फ्री, अभी कुछ करना है नहीं, कुकिंग वुकिंग में इतना इन्वॉल्व रहती नहीं हूँ, मेरी मदर इन लॉ कर लेंगी ऊपर और इधर मेरी मम्मी कर लेंगी, ये लोग कर लेती, मैं किचन को छोड़ करके बाकी सारे कामों में इन्वॉल्व रहती हूँ। तब हाँ ज़रूरत लगती है तब कर लेते हैं, बट अभी ज़रूरत इतनी है नहीं। तो मैं दिस इज़ वॉट आई एम वेयरिंग, ये वाला कुर्ता काफ़ी मस्त है, लूज सा है, काफ़ी रिलैक्स्ड फिट है और हम लोग जो पूजा है ना ये वाले टेबल पे करवाएंगे क्योंकि पापा अभी नीचे नहीं बैठ सकते हैं, मतलब वो व्हील चेयर पर बैठ जाते हैं तो ताकि उनके भी हाथ लगना ज़रूरी है, वो भी अच्छे से पूजा कर पाएँ। तो यस स्टार्ट करते हैं रंगोली बनाने से। किस किस के घर में रंगोली बनती है, बड़ी बनती है, छोटी बनती है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। कौन बहुत शौक से रंगोली बनाता है और किसके घर में सिर्फ ऐसे ही काम चलाओ क्योंकि बनाना है इसलिए बना लेते हैं, वैसा है। मुझे तो बड़ा शौक है भाई, मुझे बहुत अच्छा लगता है रंगोली बनाना और मैं बड़े मन से रंगोली बनाती हूँ और अच्छा लगता है, मतलब कलरफुल और इन सब चीज़ों में मुझे, मैंने बोला ना मुझे किचन के कामों से ज़्यादा ऐसे कामों में बहुत मज़ा आता है। गाइस तो अभी जो है रंगोली बन गई है, अब मैं जा रही हूँ थोड़ा सा सामान लेने के लिए, मिठाई वगैरह और जो बेसिक सी चीज़ें होती हैं लक्ष्मी जी की पूजन के लिए लगती है। और अभी तो बाकी विक्की सो गया है, मम्मी सब सोने सो ही रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं, फिर आकर के मैं भी रेस्ट करूँगी, फिर एक और रंगोली बाहर बनाते हैं गेट के बाहर। तो ये वाली रंगोली बनाने में मुझे टोटल 3 आवर्स लग गए, एक तो अकेले बना रही थी और जगह भी थोड़ी बड़ी है। सो यस चलिए चलते हैं मार्केट। सो मार्केट का काम हो गया है, घर अच्छी तरीके से डेकोरेट हो गया है, बाहर अब मैं रंगोली बनाना बैठना स्टार्ट कर रही हूँ। वो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया है, जब कंप्लीट हो गया तब मैं आपको बता रही हूँ। तो मैंने लक्ष्मी जी के चरण बनाए हैं और सिंपल सी छोटी सी बनाई है, यहाँ ज़्यादा बड़ी नहीं बनाती हूँ क्योंकि मुझे पता होता है कोई ना कोई ख़राब कर ही देता है, मतलब 24 घंटे भी पूरी ढंग से नहीं रहती है, ये पैर रखा जाता है या गाड़ी रखा जाती है। ओके सो अब हम लोग रेडी होना स्टार्ट हो चुके हैं, मतलब मैं सबसे पहले रेडी होना स्टार्ट हो गई थी। तो यहाँ पर मैं फाउंडेशन लगा रही हूँ, मैक का और मामा अर्थ के फाउंडेशन को मैंने मिक्स किया है और उसको लगाया है अपने फेस पे, बहुत अच्छा इम्पैक्ट दे रहा था ये फेस पे काफ़ी अच्छे से। अदरवाइज मैं मामा अर्थ का अकेले भी लगा लेती हूँ, बट मैं अभी मुंबई गई थी ना तो मैं अपना मैक वाला जो फाउंडेशन था वो भी ले आई थी। और यहाँ पर हल्का सा मैंने ब्लश लगाया हुआ है, मतलब ऑब्वियसली मैं बहुत क्विक वाला मेकअप कर रही हूँ, बहुत एकदम डीप डिटेल्ड मेकअप नहीं कर रही हूँ, और सिंपल सा वही ब्लश मैंने अपने आईलिड्स भी लगा लिया है। और यस ये मेरा बेस रेडी हो गया है और यहाँ पर अब मैं कॉम्पैक्ट से सेट कर रही हूँ, एक्चुअली ज़्यादा कॉम्पैक्ट नहीं लगाऊंगी क्योंकि यहाँ पर वेदर अब ठंडा होना स्टार्ट हो गया है तो स्किन ना थोड़ी ड्राई ड्राई सी रहने लगी है, तो इसलिए मैंने पहले ना बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज करा था। उसके बाद हल्का सा मैंने काजल लिया है, उसी को लाइनर फॉर्म में लगा लिया है और उसको ये देखिए ऊपर मैं बस लाइनर नहीं लगा रही हूँ, नॉर्मल मैंने काजल को ही स्मच कर लिया और यहाँ पर मैंने अंदर भी काजल ही लगाया है, दैट्स इट। और अब मैं लिपस्टिक लगाऊंगी, दिस इज माई मेकअप, बस इतना ही करने वाली हूँ मैं। और मैंने हल्के से बाल कर्ल कर लिए और साड़ी काफ़ी सही लग रही थी, सेट वगैरह सब पहन लिया है। मैं आपको ओवरऑल लुक दूंगी अपनी साड़ी का। और पहले हमारे यहाँ मतलब जो मुहूर्त था ना 7 बजे का नीचे था, 7 से 7:30 हमने नीचे करी और 7:30 बजे से हमने ऊपर पूजन स्टार्ट कर दी थी। तो इस बार मेरे फादर इन लॉ का एक टेक था कि इस बार जो पूजा है रिचुअल जो मेरे मदर इन लॉ फादर इन लॉ करते हैं वो मैं और विक्की करें, तो इस बार वो हमको गाइड करते गए थे, हमारे साइड में बैठ गए थे और पूरा जो पूजा होती है वो हम लोगों ने ही करा और बहुत अच्छा लग रहा था। मतलब मुझे काफ़ी पसंद है ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेना, मतलब आई लव्ड इट, तो एंड आई एंजॉयड इट एज वेल।
तो दोनों ऊपर नीचे जगह की पूजा हो चुकी है। अभी हम आए हैं नारियल फोड़ने के लिए, फिर उसके बाद सब जगह दिए लगाएंगे और आई एम श्योर आप लोगों के घर भी इसी तरीके से पूजा होती होगी। एंड फिर उसके बाद हम लोग शगुन के पटाखे फोड़ेंगे ना, शगुन के हमारे यहाँ पटाखे फोड़ना कंपल्सरी होता है। उसके बाद खाना वाना खाएंगे, आसपास नेबर से मिलने के लिए जाएंगे एंड देन फिर उसके बाद निकलेंगे हम चर्च चाची के मिलने के लिए। और हमारे एक और यहाँ पे फैमिली फ्रेंड्स रहते हैं, उन दो लोगों से हम आज के दिन मिलने के लिए ज़रूर जाते हैं। सो दिस इज़ द कम्प्लीट लुक ऑफ माई साड़ी और ब्लाउज बहुत सही स्टिच हुआ था, सब भी सांची पैटर्न में स्टिच करवाया था मैंने। सो उसको इसी पैटर्न का बोलते हैं आई थिंक, क्योंकि मेरे बुटीक वाले ने वही नाम बोला था। और फिर टाइम आता है दिए लगाने का, तो ऊपर नीचे सब जगह हम लोग दिए रखते हैं। इस बार मम्मी नीचे ही थी तो मम्मी ने भी काफ़ी सारे दिए रख ही दिए थे ऑलरेडी। तो रंगोली पे दिए रखना और बाहर दिए रखना, गेट पे दिए रखना, हर जगह दिए रखते हैं, बिकॉज दिस फेस्टिवल इज एक्चुअली अ फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, तो दिए तो रखना मैंडेटरी होता ही होता है। शुभ दीपावली, आपको भी शुभ दीपावली, कह रहा हैप्पी नहीं शुभ दीपावली। हम लोग जा रहे हैं मेरे चाचा चाची के घर पे मिलने के लिए और ज़्यादा देर नहीं बैठने वाले, जल्दी से आ जाएंगे क्योंकि आज जो मेरा कज़िन है, मतलब उनका जो बेटा है बड़ा दानिश जो है, उसका बर्थडे भी है। वैसे भी एनीवेज बर्थडे, बाप रे शिट। ओके गाइज, फिनिशिंग दिस व्लॉग हेयर, आई एम एक्सट्रीमली टायर्ड नाउ और अब मैं आपको मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया देन डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कॉमेंट डाउन बिलो। और यस, मिलती हूँ मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।